हाय, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है सबका सारे एजुकेशन में। आप सब लोगों ने देखा कि एलटी ग्रेड की परीक्षा जो है दो चरणों में होगी। मतलब पहले एक ही परीक्षा में एलटी ग्रेड को पास कर दिया जाता था, अब कुल मिला के दो परीक्षा होगी, प्री और मेंस। उसी के बारे में पूरी वीडियो है, उसी को देखेंगे क्या ये फायदेमंद है या नुकसानदायक है। तो अगर दो चरणों में परीक्षा होती है तो फायदेमंद है या नुकसानदायक है, इस बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर और ऐसी एक परीक्षा का उदाहरण भी देखेंगे जिसको दो चरणों में पहले कराया गया था और फिर उसको एक ही चरण में वापस करा दिया गया। रीजन जो एलटी ग्रेड का रीजन है वही उसका रीजन है, इस रीजन के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो शुरू से लास्ट तक बने रहना वीडियो में। देखो, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा थी वो क्या एक साथ होने वाली है? तो नहीं, ऐसा जो ये जो न्यूज आई थी वेरी बहुत ज्यादा सुर्खियों में थी, ये न्यूज वायरल भी हुई थी, ठीक है। तो इसी वायरल को देखते हुए एक विज्ञप्ति पत्र दिया है लोक सेवा आयोग ने, ठीक है। तो ये न्यूज के लिए ये पत्र आया है। देखो, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से है, संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय सेवा शर्ते नियमावली 2024 नाम से एक नियमावली सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर प्रसारित वायरल की जा रही है, जो पूर्णतया फर्जी है एवं भ्रामक है। इसका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से कोई संबंध नहीं है। सभी संबंधित से अनुरोध है कि वे इस प्रकार के मनगढ़ंत एवं अनर्गल नियमावली पर ध्यान ना दें। और देखो, यहाँ पे नाम भी दिए हैं जिन्होंने प्रतिलिपि छापी थी, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक समाचार पत्र को इस आशय से साथ प्रक्षित सूचना दी गई है, ठीक है, कि ऐसे भ्रामक विज्ञापन ना छापो, क्योंकि बच्चों को ये साफ साफ सलाह दी गई है कि आप इन चीज़ों के अलावा, इन चीज़ों के बदले आप लोग सीधे वेबसाइट पे जाइए और वहां पे देखिए क्या ऐसी कोई चीज है या नहीं है, ठीक है। अब ऐसी ही एक एलटी ग्रेड की न्यूज है कि एलटी ग्रेड दो चरणों में होगी, ठीक है। वो क्या सही है या गलत है उसके बारे में भी देखेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले न्यूज देख लेते हैं हम लोग कि क्या वो सही है या गलत है। तो देखो, ये है वो न्यूज कि एलटी ग्रेड शिक्षा भर्ती अब दो चरण में संपन्न होगी, ठीक है। थोड़ी सी न्यूज हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा सा पता लगे क्यों ये दो चरणों में कराने की नौबत आई है। क्या एक चरण में सब कुछ सही नहीं चल रहा था, या दो चरणों से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी इस बार दो चरणों की परीक्षा एक माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी करा रहा है। इसमें पूर्व आयोग ने मार्च 2018 में जारी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के तहत एकल परीक्षा के माध्यम से भर्ती की गई थी, ठीक है। 2018 में जो परीक्षा हुई थी एक ही परीक्षा हुई थी, एक ही परीक्षा दी और सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब आयोग ने पूर्व में तय किया है कि सभी प्रतियोगी दो चरणों को परीक्षा में करेगा। पहले चरण में प्रारंभिक और दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। मार्च 2018 में जब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, तब आयोग एकल परीक्षा के माध्यम से भी भर्ती कराता था और एलटी ग्रेड के लिए केवल एक परीक्षा हुई थी। इसमें कुछ सब्जेक्ट के बारे में दे रखा है, हमको तो ये देखना है कि एक परीक्षा हुई थी, अब दो परीक्षाएं करा रहे हैं। दो परीक्षा कराने का रीजन क्या है वो हम लोग और नीचे देखते हैं, ठीक है, आपको और रीजन पता लगेगा। देखो, इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा भी दो चरणों में होगी। उत्तर प्रदेश सेवा आयोग अब तक एलटी ग्रेड शिक्षक के 5,000 पदों का अधियाचन मिल चुका है, ठीक है। एक तो इन्होंने ये बात रखी कि 5,000 पदों पे लगभग एलटी ग्रेड की वैकेंसी आएगी। आयोग ने विषयवार योग्यता स्पष्ट करने के लिए संबंधित विभाग को पत्र भेजा है कि इस बारे में स्थिति स्पष्ट होने के बाद आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। आयोग ने वर्ष 2018 में 15 विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए लगभग 10,768 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। एलटी ग्रेड में सबसे बहुत बड़े स्तर पर यह वैकेंसी आई थी, 15 विषयों के लिए थी और लगभग 10,000 से ज्यादा इसमें पद थे। तो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। यह भर्ती पूरी हो चुकी है, उस वक्त एक चरण की परीक्षा के माध्यम से भर्ती की गई थी। परीक्षा में सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय के पेपर आउट होने के आरोप लगे थे, जिसकी जांच एसटीएफ ने की थी। हालांकि बाद में एसटीएफ ने क्लीन चिट दे दी कि और भर्ती भी पूरी हो गई थी। इसके बाद बावजूद पुरानी भर्ती में तकरीबन 4,000 पद खाली रह गए हैं। अभी भी 10,700 पदों में से लगभग 4,000 पद तो पुरानी भर्ती के खाली हैं, ठीक है। और आयोग तकरीबन 5,000 पदों का अधियाचन भी मिल चुका है, तो लगभग 5,000 अधियाचन पद, लगभग यूं मान के चलिए अभी 5,000 पद आएंगे लगभग। इस बार जो भी आने होंगे 5,000 पद
आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, एक चरण की परीक्षा में पेपर आउट होने या अन्य गड़बड़ियों की आशंका बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ दिनों पहले आयोग ने निर्णय लिया था कि अब कोई भी भर्ती परीक्षा एक चरण में नहीं होगी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती इस दायरे में आ रही है कि इस बार एलटी ग्रेड भर्ती के लिए पहले प्रारंभिक परीक्षा और इसके बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा के आधार पर ही अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा। ठीक है, दो एग्जाम होंगे, प्री होगा, मेंस होगा। प्री आपने निकाल लिया तो प्री निकालने के बाद आपको मेंस देने दिया जाएगा। मतलब आपने प्री में एलिजिबल हो तो आप मेंस में परीक्षा दे सकते हो। मतलब प्री को पास करने के बाद मेंस में एलिजिबल हो, कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है। और प्री में आपने कितने अच्छे मार्क्स लाए हो, कैसे क्या लेके आया हो, उसका कोई मैटर डिपेंड नहीं करेगा आपकी भर्ती में, मतलब आपके सिलेक्शन में। जो सिलेक्शन का जो भी होगा आपका, वो होगा आपके मेंस के द्वारा। ठीक है, मेंस आप अच्छे से नंबर से क्लियर करोगे तब आपका सिलेक्शन होगा। के आधार पर अंतिम चयन परिणाम जारी किया है, आयोग के अफसर ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। अब आयोग को शिक्षा विभाग से योग्यता से संबंधित स्पष्टी किए जाने का इंतजार है, ताकि भर्ती शुरू होने से के बाद योग्यता को लेकर कोई विवाद ना हो। ठीक है, इनका कहने का मतलब है हम दो परीक्षाओं, दो चरणों में परीक्षा इसलिए करा रहे हैं क्योंकि एक चरण में परीक्षा जब कराई जाती थी तो उसमें पेपर लीक होने के मामले आते थे या फिर रद्द हो जाने की ऐसी कोई शिकायत आती थी, इसलिए ये जो परीक्षा होगी दो चरणों में होगी। ठीक है, अब ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। ठीक है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि अब जो एलटी ग्रेड की परीक्षा होने वाली है उसका थोड़ा सा सिलेबस देख लेंगे कि दो चरणों में होगी, पहले तो एक चरण में होती थी, कितने नंबर की होती थी वो भी देखेंगे, अब दो चरणों में होगी कितने नंबर की होगी वो भी देखेंगे, पहले के सिलेबस में क्या था वो थोड़ी सी नज़र डालेंगे, अभी के सिलेबस में क्या होगा वो थोड़ी सी नज़र डालेंगे। ठीक, तो ये देख लेंगे, योग्यता और एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ी सी पुष्टि कर लेते हैं हम लोग। अब देखो ये जो चीज है आपकी हाँ ये आपका पुरानी भर्ती का तरीका है। ठीक है, जब आपका 2018 में जो एग्जाम हुआ था वो कुछ इस तरीके से हुआ था कि आपका दो भागों में दो पेपर हुए थे लेकिन एक ही पेपर लिया गया था, एक ही पेपर के अंदर दो भाग में पेपर हुआ था। ठीक है, पहले भाग में आपको विषय पूछा गया था, दूसरे भाग में आपसे जीएस पूछा गया था, लेकिन अलग अलग पेपर नहीं लिया गया था इसका, एक ही पेपर लिया गया था, उस एक पेपर में आपको पास कर दिया गया था। तो देखो जो सामान्य जीएस आया था आपका 30 नंबर का था और मुख्य विषय था आपका 120 नंबर का, मतलब 150 नंबर का कुल पेपर होता था, 150 नंबर में जो सबसे अच्छे नंबर ले आता था उसका सिलेक्शन हो जाता था, इतनी सी बात थी। और अब जो नियम रखेंगे ये, अब ये नुकसानदायक है या फायदेमंद होगा इसको भी आप, हम लोग जब एनालिसिस करेंगे तो आप लोग अंदाजा लगा के बताना कि ये फायदेमंद है या नुकसानदायक है। ठीक है, देखो अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं इस जगह पे, ठीक है यहीं पे लेते हैं हम लोग, यहीं पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि बीएड ये जो एलटी की योग्यता क्या होगी, मतलब कौन पेपर दे सकते हैं, तो एलटी योग्यता देख लो आप लोग। इसमें आपका बीएड प्लस ग्रेजुएशन, ये दोनों चीज कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद इसमें एज क्या होनी चाहिए, एज देख लेते हैं हम लोग। तो एज है इसमें 21 to 40। ठीक है, 21 साल से 40 साल के लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं। कौन दे सकता है, बालिका वर्ग या फिर पुरुष वर्ग, बालक वर्ग, तो दोनों लोग दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है ना, दोनों लोग दे सकते हैं इसको। ठीक, अब पहले तो होता था आपका एक चरण में एग्जाम, ठीक है, जिसमें आपका 30 नंबर का जीएस ले लिया जाता था, 120 नंबर का मेन सब्जेक्ट ले लिया जाता था, दोनों 150 नंबर का होता था, जो ज़्यादा अच्छा नंबर लिया है कट ऑफ लिया के, कट ऑफ में पास हो गया, मेरिट लिस्ट में आ गया, सिलेक्शन पक्का। अब इसमें दो तरह के एग्जाम होंगे आपके, ठीक है, जिसको प्रीलिम्स और मेंस का नाम दिया गया है ना। अब जो प्रीलिम्स होगा आपका वो जो होगा लगभग 120 नंबर का होगा, ठीक है, 120 नंबर को भी दो चरणों में बांटा गया है,
जिसमें से आपका 80 नंबर जो होगा वो सब्जेक्ट का होगा और 40 नंबर लगभग आपका जीएस का होगा। ठीक है, ये यहां तक बात क्लियर हो गई आप लोगों की? ठीक है, इसमें इन्होंने एक चीज और रखी है, माइनस मार्किंग। ठीक है, माइनस मार्क रखे हैं 1/3। ठीक, लगभग इस अनुपात में आपकी माइनस मार्किंग होगी 1/3 के अनुपात में। ठीक है, अब आप और ये जो 120 नंबर का पेपर है आपका लगभग 2 घंटे का होगा। ठीक है, 2 आवर का टाइम मिलेगा लगभग यहां पे आपको, और इसमें आपको लगभग क्वालिफाई होने के लिए एवरेज 40% मार्क्स लाने होंगे। 40% मार्क्स आप लेके आते हो तो इसमें क्वालिफाई हो जाओगे, मेंस देने के लिए आप इलिजिबल हो जाओगे अगर 40% लगभग ले आते हो तो। ठीक है, और मेंस में क्या चीज है आपका, तो मेंस में देखो आप यहां पे इसमें भी 2 तरह से होंगे आपके एग्जाम। आपका जो सब्जेक्ट होगा वो होगा 200 नंबर का, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, और 100 नंबर का आपका होगा सामान्य हिंदी। होगा ये सामान्य हिंदी जो है एक तरह से जीएस का काम करेगा। यहां पे आपको प्री में यहां पे जीएस में क्वालिफाई होना होगा और मेंस के अंदर आपको सामान्य हिंदी में क्वालिफाई होना होगा। ठीक है, यहां पे लगभग 40 नंबर का जीएस है और यहां पे लगभग 100 नंबर का सामान्य हिंदी है, सभी विषयों के लिए है। ये भी जो जीएस है सभी विषयों के लिए है और ये जो सामान्य हिंदी है ये भी सभी विषयों के लिए है, कंपल्सरी है, देना ही होगा। ठीक है, सामान्य हिंदी में लगभग वही आपका हिंदी व्याकरण जो आता है, निबंध आएंगे और लोकोक्तियां मुहावरे व्याकरण जो भी आता है सामान्य हिंदी के अंतर्गत वो सब कुछ आएगा। ठीक है, और इसमें ये टोटल हो गया आपका 300 नंबर का। यहां से पास होके इस एग्जाम को दोगे, यहां पे मेरिट लिस्ट के अंदर जो कट ऑफ आएगी उसके बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का यहां पे। तो ये तो थी हमारी एलटी ग्रेड की योग्यताएं, एज कितनी है, ठीक है, कौन दे सकता है, प्रीलिम्स में कितना हमको स्कोर करना होगा, मेंस में कितना स्कोर करना होगा, ये सब हो सकती है। अब ये परीक्षा आने की संभावना कब है ये भी देख लेते हैं। तो ये परीक्षा लगभग आपकी जुलाई तक आ सकती है। जो हमने भी पीछे न्यूज देखी थी उस न्यूज में ऐसा जिक्र किया गया है कि जुलाई तक आने की संभावना है। ठीक है, एकदम क्लियर साफ नहीं लिखा है लेकिन जो न्यूज है उसके आधार पे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जुलाई तक ये इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो तैयार हो जाओ जीएस के लिए, जिसने सामान्य हिंदी नहीं कर रखा हो सामान्य हिंदी भी जरूर तैयार कर लेंगे। ठीक है, और एक चीज और ये देखनी थी हमारे को कि ये जो 2 चरण में परीक्षा हो रही है ये दोनों चरणों में परीक्षा फायदेमंद है या नुकसानदायक है। इनका कहने का इन्होंने कहा था, थोड़ी सी नजर यहां देख लेते हैं हम लोग। इन्होंने कहा था कि लीक, पेपर लीक की वजह से ये 2 चरण में हो रही है परीक्षा। इनकी न्यूज के अनुसार ये बात है कि पेपर लीक की वजह से 2 चरणों में परीक्षा कराई जा रही है। लेकिन आपने एक परीक्षा के नाम परीक्षा के बारे में सुना होगा, रीट के बारे में, राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा में गिनी जाती है एक, ये थर्ड ग्रेड टीचर के लिए होती है। ठीक, थर्ड ग्रेड टीचर के लिए होती है रीट। इसमें देखो एक न्यूज आई है, उसके अनुसार उसके आधार पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि ये परीक्षा वाकई फायदेमंद होगी या नुकसान वाली होगी।
देखो ये न्यूज़ है आपकी कि रीट शिक्षक भर्ती 2024 में 10 लाख फार्म भरेंगे, एक पेपर होगा ओनली। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से ये बड़ी घोषणा हुई थी और काफ़ी वायरल भी हुई ये चीज़। ठीक है, ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर जी, उनकी तरफ से ये घोषणा हुई है। और ये घोषणा क्यों की गई थी, मतलब पहले इनके यहाँ भी दो पेपर होते थे, यहाँ पे एक पेपर का हो गया, हमारे यहाँ LT में एक पेपर होता था, दो पेपर करवा रहे हैं, इनके यहाँ पे रीट में दो पेपर होते थे, एक पेपर पर आ गए ये लोग। रीजन देखो आप लोग, LT का रीजन आपने देख लिया कि क्यों दो पेपर करा रहे हैं, या रीट का रीजन देख लो कि क्यों एक पेपर कराया जा रहा है। तो देखो, रीट का पेपर लीक होने के बाद पिछली सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए दो परीक्षाओं का फार्मूला लागू किया था। ठीक है, और सत्ता बदलने के बाद अब शिक्षा मंत्री दिलावर ने प्रथम श्रेणी व्याख्याता द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती तक के लिए एक परीक्षा कराने के संकेत दिए हैं, प्रस्ताव रखे हैं। ठीक, बात यहां पे भी यही आई थी कि रीट की पहले जो परीक्षा होती थी लगभग 3-4 साल, जो पहले सरकार थी कांग्रेस सरकार, उस टाइम पे दो परीक्षाएं होने लग गई थी रीट के, लगभग यूं मान के चलो आप 7-8 साल पहले यहां पे कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के टाइम पे एक ही पेपर होता था। ओके, और फिर कांग्रेस की सरकार के टाइम पे नहीं, सॉरी बीजेपी की सरकार के टाइम पे, ठीक है, बीजेपी की सरकार के टाइम पे यहाँ पे एक ही पेपर होता था। फिर जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने बोला पेपर लीक की वजह से हम लोग दो पेपर करवाएंगे ताकि पेपर लीक ना हो। ठीक, फिर वापस वही मुद्दा आने लग गया, पेपर लीक तो रुका नहीं, फिर वापस वही मुद्दा आने लग गया कि पेपर लीक हो रहे हैं, अब हम वापस से एक पेपर कराएंगे। तो बीजेपी ने एक पेपर रखा था, फिर कांग्रेस आई दो पेपर रख दिए, फिर बीजेपी आई है उसने फिर एक पेपर रख दिया। तो बताओ यहाँ पे फायदा है या नुकसान है? अब देखो इनका कहने का मतलब यह है, एक तो कि रीट में एक पेपर कराने का जो प्रावधान था ये वापस से क्यों करवा रहे हैं ये लोग, वो देख लो, थोड़ा सा देख लेना कि रीट की पेपर वापस से एक क्यों करवा रहे हैं। पहले दो पेपर होते थे यहाँ पे, अभी जब कांग्रेस का टाइम था तब दो पेपर होते थे यहाँ पे, और अभी वापस बीजेपी आ गई है तो एक पेपर होने की बात है। ठीक है, इनका कहने का अर्थ, जो कहना चाहते हैं ये लोग, थोड़ा सा यहाँ देखेंगे हम लोग, इसको लिख के बता दूंगा, थोड़ा सा दिमाग में फिट हो जाएगा कि हमारे को क्या चीज देखनी है। इनका कहने का मतलब है कि जो बच्चे हैं उनको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, एक पेपर से किसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना है, जॉब के लिए। यहां पे ऐसा होता था कि जब रीट की दो पेपर होती थी, पहले प्रिंस होती थी उसके बाद मेंस होती थी, ठीक है, वही यहां पे भी होनी है वाली है रीट LT में, कि पहले प्रिंस होगी उसके बाद मेंस होगी। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि आप प्रिंस तो करवा देते हैं, प्रिंस में कोई मुद्दा उठ गया, कोई सवाल गलत है, भर्ती कोर्ट में चली गई, कोई और बात आ गई किसी भी वजह से, नेतागिरी वाली या फिर राजनीति वाली कोई बात आ गई, तो मेंस वाला एग्जाम रोक दिया गया, है ना। तो जहां पे एक बार में सिलेक्शन हो जा रहा था, वहां पे अब पहले प्रिम्स अगर टाइम से हो गया बहुत अच्छी बात है, फिर 3 महीने 2 महीने का गैप दो, फिर मेंस दो। ठीक है, अगर ये प्रिम्स एक बार हो गया और यहां पे कोई रुकावट आ गई तो हो सकता है 1 साल रुकावट हो जाए, हो सकता है 2 साल रिकॉर्ड। कोर्ट में जब चली जाती है तो देखो आप खुद ही लोग देखो कितने कितने टाइम तक अटकती है कोर्ट में भर्तियां, कोई राजनीति मुद्दा आ जाता है या फिर कोई कुछ भी कोई भी मैटर आ जाता है तो कितने टाइम तक भर्ती अटकती है। तो अगर जहां एक ही परीक्षा में सिलेक्शन हो जा रहा था, अब वो एक परीक्षा ही किसी वजह से अटकती जा रही है, कभी 1 साल अटक रही है, कभी 2 साल अटक रही है, उसके बाद मेंस का नंबर आएगा। और मेंस में भी यही चीज होती है कि कोई मुद्दा अटक गया तो ये भी 1-2 साल के लिए अटक जाएगी। तो जहां पे एक साल में बच्चा क्वालिफाई हो जा रहा था, वहां पे 2 साल भी लग जा रहे थे, 3 साल भी लग जा रहे थे, 1.5 साल भी लग जा रहे थे, कुछ भी लग जा रहा था,
अगर कोई रुकावट आ जाती है तो एलटी ग्रेड में भी तो ऐसा ही हो सकता है ना। जब 2018 में इन्होंने एक ही परीक्षा कराई थी तो एक परीक्षा की वजह से तो एक ही साल में सिलेक्शन हो जा रहा था, और अब जब प्रीम्स और मेंस की बात आ रही है तो यहाँ पे भी तो ऐसे मुद्दे आते हैं, कोर्ट पर भर्ती चली जाती है, कोई राजनीति मुद्दा आ जाता है या फिर कोई भी एक्स्ट्रा कोई मुद्दा आ जाता है। तो आप देखो ये फायदेमंद है या नुकसानदायक है, जो दो भर्ती कराने की दो चरण में परीक्षा कराने का जो प्रावधान है ये किस तरह का है, फायदेमंद है या नुकसानदायक है। ठीक है, मेरे को तो नुकसानदायक लगता है। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखना और वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, जहाँ तक पहुँचे पहुँचाना। तो अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।